फरुखाबाद के कायमगंज में शनिवार को दिन दहाड़े कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला चिलौली पठान निवासी तम्बाकू कारोबारी जैनेन्द्र अग्रवाल के घर आए तीन बाइक सवार बदमाशों ने लोगों को बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूट लिए। घटना के होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र में भय व्याप्त है। तम्बाकू कारोबारी जैनेन्द्र अग्रवाल के घर तीन बाइक सवार पहुँचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर जैनेन्द्र की पत्नी पुष्पा बाहर आईं। बदमाशों ने उनसे राजू के घर काट देने की बात कही, जिस पर जैनेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि राजू का घर पड़ोस में है, तो बदमाशों ने पीने के लिए पानी मांगा, जिस पर जैनेन्द्र की पत्नी पुष्पा पानी लेने के लिए किचन में गयी, तो आरोपी पीछे पीछे किचन में आ गए और तमंचा निकाल कर दंपति को किचन में बंद कर उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। तमंचे के बल पर 50,000 रुपए की नकदी और लाखों के जेवरात लूटकर तीनों बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। जानकारी होने पर सीओ कायमगंज अश्वनी कुमार, प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर विनय प्रकाश राय, चौकी इंचार्ज दिनेश भारती फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी भी खंगाले। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। जैनेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उनका एक पुत्र निशांत मुंबई में और दूसरा पुत्र जार्डन में है, वो दोनों वहां अकेले रहते हैं और उनके यहां ये तीसरी लूट की वारदात हुई है। अग्रवाल दंपति के साथ सन 1992 में और 2009 में भी लूट की घटना हो चुकी है। प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश राय ने बताया कि जांच की जा रही है, तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। तो शहर में बंधक बनाकर लूट पाजी किसका क्या मामला? कायमगंज कस्बे में चिलौली मोहल्ले में जैनेन्द्र कुमार अग्रवाल जी के घर में दोपहर के समय बाइक से आए तीन बदमाशों ने शादी का कार्ड देने के बाद बता करके घर में आए बैठे। थोड़ी देर के बाद दो वृद्ध जो परिवार में पति पत्नी मौजूद थे, जैनेन्द्र जी और उनकी पत्नी, दोनों को बंधक बनाकर उन्होंने घर में रखा हुआ जेवरात और कैश सब लूट लिया और इसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज पर उन्हें ट्रेस किया गया है और ऐसा अनुमान है कि उनके पास बाकायदा ठीक ठाक जानकारी थी कि दोपहर में ये दोनों लोग वृद्ध हैं और अकेले हैं, तो इस आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी ही इसका खुलासा होगा। सर, ये घटना जो है किसी घटना इनके परिवार में है और दो घटना पहले हो चुकी, कोई इसका खुलासा नहीं हुआ? हाँ, वर्षों पहले बताया गया है कि 80 के दशक में एक या दो बार ऐसी घटना और हो चुकी है, तो उस समय उसका स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका था, लेकिन इस बार हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस मिल रहे हैं और हम पूरा विश्वास करते हैं कि जल्दी सब खुलासा होगा। थैंक यू।